नमस्ते बच्चों, हम संसार घूम रहे थे ना। संसार में सात अद्भुत चीजों को देख रहे थे, है ना। वी वेर ट्रैवलिंग अराउंड सेवन वंडर्स, है ना। तो हम अभी ये हमारा उस लेसन का फिफ्थ लेसन का थर्ड पार्ट है। दिस इज द थर्ड पार्ट आवर फिफ्थ लेसन ऑफ आवर फिफ्थ लेसन। ओके, अब हम कहाँ पर आए हैं? मेक्सिको। हम कहाँ पर आए हैं? मेक्सिको। मेक्सिको में हम क्या देखने जा रहे हैं? चिचेन इट्ज़ा। मेक्सिको में हम चिचेन इट्ज़ा देखने जा रहे हैं। देखिए, ये है, ये प्लेस है चिचेन इट्ज़ा का। और ये मेक्सिको देखो संसार में कहाँ पर है? इन द वर्ल्ड, दिस इज द मेक्सिको हियर इन दिस वर्ल्ड। एंड इन साइड द मेक्सिको चिचेन इट्ज़ा इज हियर। ओके, यहाँ पर है, ठीक है। तो आज हम आए हैं चिचेन इट्ज़ा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो, सम वंडर्स आर देयर इन दैट। ओके, चलो देखते हैं क्या है। ओके, चिचेन इट्ज़ा यानी इट्ज़ा के कुएं के मुहाने पर कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर है। तो चिचेन इट्ज़ा, दैट मीन्स इट्ज़ा के कुएं के मुहाने पर, कुआं, कुआं इज अ वेल, कुआं इज अ वेल, इट इज नियर द, दैट इज द माउथ, मुहाने पर बना हुआ है ये चिचेन इट्ज़ा। एंड इट हैज बीन मेड बिफोर कोलंबस, कोलंबस के पूर्व में माया सभ्यता। इट हैज बीन बिल्ट बाय द माया सभ्यता। माया इज अ वन टाइप ऑफ अ पीपल। They were the just we saw their Inca people, isn't it? Inca people, Machu Picchu में देखा था ना हमने, Machu Picchu में Inca people, likewise they are also a people, Maya people द्वारा बनाया गया बड़ा शहर है। It was a very big city which has been built by the Maya people, Maya सभ्यता। Okay, next देखिए, यह स्थल वास्तु शैलियों के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है। वास्तु शैली, वास्तु, वास्तु मीन्स यू नो ऑल दैट विल सी दैट इज द करेक्ट प्लेस एंड करेक्ट वे। ओके, सो दिस इज द वास्तु प्लेस टू हैव अ वाटर ओवर देयर, दिस इज द वास्तु प्लेस टू हैव एंटरिंग द एंटर डोर। लाइकवाइज वी सी नो दैट much of the statues or the things that shows the vastu shaili. Okay, so this is famous for this. Okay, famous for the vastu pradarshan. To the pradarshan means to display, was displaying vastu. Okay, यह एक पुरातत्व स्थल है जो इतिहास के साथ ही विभिन्न डिजाइनों और शैलियों से समृद्ध है। दिस इज वेरी ओल्ड एंड वेरी पुरातत्व। पुरातत्व इज अ ओल्ड प्लेस एंड इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट शोज अ डिफरेंट डिजाइंस, शोज द डिफरेंट डिजाइंस, आर्किटेक्ट डिजाइंस। ओके, सी द डिजाइंस हियर, स्मॉल स्मॉल, यहाँ पर देखिए ये डिजाइन कैसा है, यहाँ पर देखिए ये डिजाइन कैसा है, शोज अ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती है। दे हैव मेड दे इन ईच टेम्पल, दिस इज द टेम्पल ओवर हियर, इन ईच टेम्पल इट विल हैव अ 365 स्टेप्स। ओके, एंड दीज 365 स्टेप्स सेज वन डे। Okay, it regards on one day of the year, 365 days in a year. So they have a 365 steps in for one temple. Okay. So मैंने कहा था ना 365 steps. CD means steps. Okay. इसका सबसे बड़ा रहस्य साल में, that very big secret. रहस्य means secret. So very big secret that साल में दो बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का मिर्जा का किसी को हैरान कर देता है।
सो देखिए 365 डेज में साल में दो बार, टू टाइम्स इन अ ईयर देयर कम्स अ वेरी सीक्रेट थिंग दैट इट मेक्स अ शेप, द शेड मेक्स अ स्नेक लाइक स्ट्रक्चर. सी यहाँ पर टू टाइम्स, ओनली टू टाइम्स इन अ ईयर, टू टाइम्स इट मेक्स अ शेप लाइक अ, ब्रिंग्स द शेड लाइक स्नेक. ओके, दिस इज द वेरी बिग सीक्रेट ओवर द टू टाइम्स अ ईयर. ओके, ओ माई गॉड, ये हम आ गए हैं लेसन, हमारा है लेसन एफिल टावर. एफिल टावर ये भी हमारे देखने के लायक है, सेवन वंडर्स में ये एक है. एफिल टावर है हमारा लेसन. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. वी हैव टू कंप्लीट इट बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द रिविजन ऑल्सो फॉर द थर्ड लेसन एंड द फोर्थ लेसन. ओके, जल्दी जल्दी देखें. हर देश की एक अलग पहचान है, ऐसे ही फ्रांस देश देश की पहचान, वहां की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे का टावर एफिल टावर है. सो एवरी कंट्री हैज इज वन रिकग्निशन. अवर कंट्री हैव वन रिकग्नाइज वॉट, ताजमहल, इसंट इट? ताजमहल इज गिव्स द रिकग्निशन टू अवर कंट्री. सो एवरी कंट्री हैव इट्स ओन रिकग्निशन. ओके, पहचान, पहचान मीन्स रिकग्निशन. एज अ फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में एफिल टावर है ना. एफिल टावर किसका बना हुआ है? लोहे का, लोहा, लोहा मीन्स आयन, लोहा मीन्स आयन का बनाया हुआ एक एफिल टावर कहां पर है? पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में. ठीक है, एफिल टावर का निर्माण 1887 ईस्वी से 1889 ईस्वी में शैम द मास में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ. सो इट स्टार्टेड टू बिल्ड बाय द टाइम 1887 से 1889 तक इसका ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा. और ये सीन नदी के किनारे, दिस इज द सीन, सीन नदी, द रिवर ऑफ दिस, द नेम ऑफ दिस रिवर इज सीन, SEINE, सीन रिवर. इट इज कंस्ट्रक्टेड नियर द रिवर सीन. ओके, नदी तट पर पेरिस में हुआ. एफिल टावर की रचना गुस्ताव एफिल के द्वारा की गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम एफिल टावर रखा गया. सो इट हैज बीन बिल्ट बाय गुस्ताव एफिल, गुस्ताव एफिल, इट हैज बीन बिल्ट बाय गुस्ताव एफिल एंड दैट्स व्हाई हिज नेम एफिल इज केप्ट फॉर दिस टावर. ओके, इतना बड़ा टावर है, देखा? बहुत, इसे जरूर हमें देखना, अगर आप जाएंगे पेरिस वगैरह जरूर एफिल टावर देख कर आना. ठीक है, सो हु मेड दिस? गुस्ताव एफिल. टावर कहां पर है? फ्रांस के, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में. ओके, 1889 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी समारोह में वैश्विक मेले का आयोजन किया गया था. इस टावर को बनाने के लिए तीन शर्तें रखी गई. सो हाउ इट हैज बीन बिल्ट, व्हाई इट हैज बीन बिल्ट? ओके, हाउ दे डिसाइडेड टू बिल्ड? सो इन 1889 में क्या हुआ, फ्रांस में फ्रांस क्रांति के शताब्दी समारोह में, ओके, रेवोल्यूशन, क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन में समारोह में वैश्विक, वैश्विक मीन्स द वर्ल्ड माला, वैश्विक द विश्व मेला, मेला इज अ फेयर. दे डिसाइडेड टू कीप टू हेल्ड अ फेयर, द वर्ल्ड फेयर. ओके, वर्ल्ड फेयर मेले का आयोजन किया गया था. दे हैव डिसाइडेड टू हैव अ वर्ल्ड फेयर व्हेन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवल्यूशन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवल्यूशन. इस टावर को बनाने, सो दैट टाइम दे डिसाइडेड टू मेक अ टावर, ओके, अ बिग टावर ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रेवल्यूशन. सो दे केप द थ्री शर्तें,
शर्त, शर्त मीन्स प्रोमिसेस, ओके, शर्त मीन्स दे हैड अ थ्री प्रोमिस फॉर कंडीशंस, थ्री कंडीशंस फॉर दैट टू मेक. सो द द लीडर ऑफ दैट फ्रेंच रेवल्यूशन ही डिसाइडेड टू हैव अ टवर, सम टवर, समथिंग देयर ड्यूरिंग द वर्ल्ड फ्रेंच रेवल्यूशन. सो ही डिसाइड कॉल्ड ऑल हिज मेंबर एंड ही सेड दैट देयर इज we have to build one tower during this French Revolution fair, world fair. Okay, so for that he kept the three conditions. So what are the conditions? इस मेले को प्रवेश द्वारा द्वार के रूप में सरकार का टावर बनाना चाहती थी. So the government want to make a tower during the French Revolution world fair. टावर को बनाने के लिए सरकार ने तीन शर्तें रखी, द थ्री कंडीशंस. इफ यू वांट टू बिल्ड द टावर, यू हैव टू फॉलो दीज थ्री कंडीशंस. व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, इट्स हाइट शुड बी 300 मीटर. ओके, टावर का निर्माण लोहे से होनी चाहिए, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द आयरन, लोहा, लोहा इज आयन. एंड द थर्ड कंडीशन इज टावर के चारों मुख्य स्तंभ की आपस में दूरी 125 मीटर होनी चाहिए, 125 मीटर होनी चाहिए. सो व्हाट इज टावर? द फोर एंट्रेंस इज देयर, नो, हियर वन एंट्रेंस, हियर वन एंट्रेंस वुड बी देयर, हियर वन एंट्रेंस वुड बी देयर, एट द बैक साइड वन एंट्रेंस वुड बी देयर. सो दिस एंट्रेंस should have the distance of 125 meter. From here to here 125, from here to there 125 meter, from back side 125 meter, from right side or left side, both side 125 meter. So these are the three conditions to build the tower during the world fair. Okay. इन्हीं शर्तों के साथ गुस्ताव एफिल ने 300 मजदूरों की सहायता से, सो अलोंग विद दीस थ्री कंडीशंस, हियर इज वन एंट्रेंस, हियर वन एंट्रेंस, दैट साइड टू एंट्रेंस वुड बी देयर. सो विद दीस थ्री कंडीशंस गुस्ताव डिसाइडेड टू मेक अ टावर विद द हेल्प ऑफ, ही टुक टू इयर्स टू बिल्ड दिस टेम्पल. दो महीने मजदूरों के, 300 मजदूरों, ही हैड अपॉइंटेड 300 लेबर्स फॉर दैट. ओके, एंड ही कंप्लीटेड दिस वर्क इन 2 इयर्स 2 मंथ्स एंड 5 डेज. टावर का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन, उद्घाटन का मतलब है इनॉग्रेशन, और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 31st March 1889. दीज आर द टेस्ट क्वेश्चंस मार्क. टेक डाउन ऑल दिस, आई हैव नॉट इंस्ट्रक्टेड यू, बट यू हैव टू डू दैट. यू आर नॉट अ स्मॉल चिल्ड्रन टू इंस्ट्रक्ट. ओके, आर यू ऑल हैविंग योर नोटबुक विद यू, ओपनिंग योर नोटबुक विद यू? ओके, टेक द फ्रेश पेज, राइट द नेम ऑफ द लेसन, राइट द नोट्स ऑन इट. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, हाउ मेनी लेबर्स ही हैज अपॉइंटेड? गुस्ताव ने कितने मजदूरों का अपॉइंट किया था? 300. कितने दिन में उन्होंने एफिल टावर कंप्लीट किया? 2 इयर्स 2 महीने और 5 दिन में. और इसका उद्घाटन कब हुआ? एफिल टावर का उद्घाटन कब हुआ? 31st March 1889. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक बैक. मैक्सिमम क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द लेसन इनसाइड. ओके ओके. और 6 मई को यह टावर लोगों को देखने के लिए खोला गया. ऑन 6 मई, मार्च में इन्होंने इनॉग्रेशन किया और 6 मई में इन्होंने लोगों को देखने के लिए वो टावर ओपन किया. ओके, इट हैज बीन ओपन फॉर द पब्लिक ऑन 6 मई. सो ऑल द पब्लिक केम ऑन 6 मई टू सी द एफिल टावर. ओके, सो इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे पीछे, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, बहुत अच्छा है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, इसका कंटिन्यूएशन हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है बच्चों, एफिल टावर में बहुत सारे अंदर. ओके.